नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के आज के दिन के, यानी कि पहले जनवरी। आज का दिन नया साल और आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमने देखा मार्केट में एक कमजोर शुरुआत हुई थी। सुबह के टाइम पे मार्केट एकदम नीचे के आसपास कामकाज कर रहा था, गिरावट थी कुछ 50-60 पॉइंट के आसपास की, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी देखने मिली। लेकिन 3 बजे के बाद एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग जो है वो निफ्टी में कहीं ना कहीं आज के दिन देखने को मिली है। एक तेज सेलिंग प्रेशर तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जैसा कुछ माहौल आपको देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके की गिरावट हुई फ्यूचर्स लेवल अगर आप निफ्टी के देखेंगे तो लगभग 22,000 के लेवल को टच कर चुके थे, उसके पार निकल चुके थे। लेकिन उसके बाद आखिरी आधे घंटे में लगभग 150 पॉइंट से ज्यादा की जो गिरावट है निफ्टी में कहीं ना कहीं देखने को मिली है ऊपरी लेवल से। क्या ये संकेत है कि अब मार्केट टॉप बनाने वाला है, या फिर यहाँ पे एक दो दिन की वापस कंसोलिडेशन होगी और फिर मार्केट अपना यही ट्रेंड पकड़ता हुआ दिखाई देगा। तो पिछले अगर आप 2-3 महीनों से देख रहे हैं तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बहुत ही शानदार रहा है। पिछले 2-3 महीनों में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न बने, चाहे आप कोई भी स्टॉक देख ले, कोई से भी सेक्टर देख ले, लगभग सारे अधिकतर स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे स्टॉक चले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक अभी भी हैं, बहुत से निवेशक ऐसे भी हैं जिनके पैसे अभी भी नहीं बन रहे हैं, उनके पास ऐसे स्टॉक पड़े हैं जो अच्छे हैं क्वालिटी वाइज है, लेकिन फिर भी वहां पे उतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया है जितना कि बाकी स्टॉक्स में है। जैसे कि आप स्मॉल कैप मिड कैप में अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक कई कई गुना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स चल रहे हैं आपके साथ साथ दूसरी थीम्स अगर आप देख रहे हैं, लेकिन वहीं पे लार्ज कैप में उतना बड़ा मूवमेंट नहीं आता हुआ दिखाई दिया। तो बहुत से लोग लार्ज कैप लेके अभी भी वेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंडेक्स में रैली होती हुई दिखाई दे रही, निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं खासकर आईटी सेक्टर ने पिछले 1-2 महीने में बहुत जबरदस्त रिस्पांस जो है वो दिया है। बैंकिंग स्टॉक्स और जो हैवीवेट सेक्टर के जो हैवीवेट स्टॉक्स है उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जिसके कारण निफ्टी में आपको एक अच्छी रैली बनती हुई दिख रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे बड़ा मोमेंटम नहीं आया है। तो क्या अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने मिलेगा? पूरे दुनिया भर में छुट्टी का माहौल है और छुट्टी के माहौल के बीच में एफआईएस छुट्टी में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने देखा क्रिसमस के बाद से वॉल्यूम कम होते हुए दिखाई देते हैं। और जनवरी का महीना ऐतिहासिकली अगर आप देखते हैं हिस्टोरिकली भी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक वॉलेटिलिटी देखने मिलती है, क्योंकि अब बजट आने वाला है 1 फरवरी के आसपास। इस बार इंटरिम बजट होगा, क्योंकि यहाँ मेन बजट नहीं होगा क्योंकि चुनाव होंगे, उसके बाद फिर चीजें निश्चित होगी। तो मार्केट का जो दिमाग होगा वहां पे भी चलता हुआ दिखाई देगा कि बजट में ऐसे क्या डिसीजन लिए जाते हैं, क्या ये गवर्नमेंट रिपीट होगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले महीने 3 राज्यों के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे और जिस तरीके से बीजेपी को एक बंपर जीत मिलती हुई दिखाई दी थी, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एंटिसिपेट किया कि गवर्नमेंट वापस लौट के आएगी और 2024 में ही ये गवर्नमेंट वापस बनी रहेगी और कहीं नहीं जाने वाली, जिसको मार्केट ने पॉजिटिव वे पे लिया। और कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार अपमूव जो था वो हमने देखा था दिसंबर के महीने में, लेकिन जनवरी का महीना थोड़ा वोलेटाइल होता है और शुरुआत में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक आध करेक्शन आता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक चीज मान के चल सकते हैं कि अगर छोटा मोटा कोई करेक्शन आता है, छोटा मोटा करेक्शन का मतलब इंडेक्स लेवल पर अगर 2-3% का करेक्शन, तो भी वो 500-600 पॉइंट के आसपास का करेक्शन होता है। 21,000-21,400 ये वो लेवल हो सकते हैं कहीं ना कहीं, जिनके आसपास अगर ऊपरी लेवल पे अगर आप देख रहे हैं वहां से, तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल इस महीने के लिए हो सकता है। 21,000 के नीचे चला जाएगा ये चीज अभी कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मार्केट जिस स्ट्रांग मोमेंटम में है तो इतनी तेज करेक्शन की उम्मीद नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई बुरी न्यूज आती है या ग्लोबली कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बायर एंड डिप्स जैसा मार्केट है, लोग अभी भी बैठे हैं, जहां पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है वहां पे अगर वो बुक कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे अभी भी अच्छा रनअप नहीं हुआ है, तो लोग उसकी कोशिश करेंगे कि अगर उनको निचले लेवल पे अच्छे स्टॉक्स एक्युमुलेट करने का मौका मिलेगा। और मार्केट में बहुत से लोग डिप का इंतजार करें, तो अगर कोई डिप आती है साइजेबल साइज की, तो आपको एक अच्छा खासा डिप के बाद एक एंट्री पॉइंट मिलता हुआ दिख सकता है, जो कि एक अच्छा मौका हो सकता है आगे के मोमेंटम को चेस करने के लिए। तो आज का जो बाजार था आखिरी आधे घंटे में एक बड़ा तेज करेक्शन देता हुआ दिखाई दिया है, तो अब देखने वाला होगा कि कल किस तरीके का मोमेंटम रहता हुआ दिखाई देगा। अब एफआईएस जैसे वापस आएंगे तो उनका सेलिंग का मूड है, बाइंग का मूड है, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी आने वाले दिनों में। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।